नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता है कि आप भी Android फोन का यूज़ करते होंगे जिसमें आपने हर तरह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। जैसे कि ज़्यादातर आप YouTube का यूज़ करते हैं, Facebook का यूज़ करते हैं, या फिर आप Instagram का यूज़ करते हैं, या फिर आप WhatsApp का ज़्यादातर यूज़ करते होंगे। क्योंकि दोस्तों, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप इन्हें हमेशा या 24 घंटे के लिए यूज़ करते रहते हैं और इनके नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे आपको अपडेट के ऑप्शन का एक नया ही अंदाज दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने भी कल चेक किया था कि मेरे जो नए अपडेट है मैं किस तरह से चेक करूँ, तो ज़्यादातर कन्फ्यूज होने के बाद मुझे पता चला गया कि आप गूगल प्ले स्टोर भी अपडेट कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे आपको डायरेक्ट शो भी हो सकता है कि आपके जो नए नए अपडेट है वहाँ पे शो भी कर जाएगा, या फिर आपके वहाँ पे अपडेट, जैसे कि कल सिर्फ मेरे 3 ही अपडेट शो कर रहा था जो कि सिर्फ स्मार्टफोन के खुद के ऐप थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो मैं सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ, या फिर जो उसके अंदर मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है वो अंदर अपडेट ऑप्शन शो नहीं कर रहा था। तो उन्हें किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको करने के कि यहाँ पे आपको अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपकी जो आईडी लॉगिन होगी उस आईडी या प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ पे आपको मैनेज एंड अपडेट के ऑप्शन या फिर मैनेज एंड लाइब्रेरी के ऑप्शन पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, अपडेट, अगर आपके अपडेट के अंदर ऑप्शन सभी अपडेट एप्लीकेशन दिखाई दे रहे जो आपने इंस्टॉल कर रखे तो वहां से आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर यहां पे आपको मैनेज के ऑप्शन पर जाना जहां पे आपको इंस्टॉल एप्लीकेशन या फिर अपडेट अवेलेबल के ऑप्शन 2 ऑप्शन और थर्ड नंबर पे एक और ऑप्शन, आपको तीनों के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहां पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिससे यहां पे आपने जितनी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है तो वहां पे आपके जितने भी अपडेट है वो वहां पे शो कर जाएगा। तो इस तरह से आप अपने Google Play Store से अपनी Android एप्लीकेशन की जितनी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया वो अपडेट आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको यह अपडेट या आपको ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मैं आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। ओके, बाय, टाटा।